Hello friends, I am Ajinder. Welcome to my channel TPTRAMS, and today we will discuss about the topic which comes from Class-XII Physics. और आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इलेक्ट्रिक रेजोनेंस. अभी लास्ट कुछ वीडियोस में हम बात कर रहे थे एलसीआर सर्किट के बारे में, तो आज हम उसी के अंदर डिस्कशन करेंगे हमारे इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में. ये जो रेजोनेंस, इलेक्ट्रिक रेजोनेंस, ये दो तरह का है, एक सीरीज और एक पैरेलल. एक सीरीज है और दूसरा पैरेलल है. तो इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में डिस्कस करने के लिए हमारे साथ ही रहिएगा. वी जस्ट कम बैक, हम अभी वापस आते हैं और शुरू करते हैं इलेक्ट्रिक रेजोनेंस. जस्ट स्टे विद अस. वेलकम बैक फ्रेंड्स. तो स्टार्ट करते हैं हम इलेक्ट्रिक रेजोनेंस के बारे में. इलेक्ट्रिक रेजोनेंस दो तरह का है. एक हमारा सर्किट जो है एलसीआर सर्किट जो है वो या तो वो सीरीज में हो तो सीरीज का रेजोनेंस, और अगर वो पैरेलल में है तो पैरेलल का रेजोनेंस. सो पहले हम बात कर लेते हैं सीरीज के रेजोनेंस के बारे में. इलेक्ट्रिक रेजोनेंस जो सीरीज का रेजोनेंस है, उस केस की खास कंडीशन है कि मैक्सिमम करंट होना चाहिए. करंट शुड बी मैक्सिमम. सॉरी, ये हम जानते हैं कि करंट को मैक्सिमम होने के लिए हम किस चीज पर काम कर सकते हैं. हम काम कर सकते हैं रेजिस्टेंस पर, रुकावट पर. रुकावट जितनी कम होगी करंट उतना ही मैक्सिमम होगा. टू हैव मैक्सिमम करंट वी मस्ट हैव द मिनिमम रेजिस्टेंस. तो इन एलसीआर केस वी हैव इंपेडेंस एज एन रेजिस्टेंस. तो रेजिस्टेंस जो है वो एक इंपेडेंस के तरीके से होती है. ठीक है, तो जो इंपेडेंस है ऑफ अ सर्किट Z is root of L R square plus XL minus XC whole square. Okay, so R square plus XL minus XC whole square. How can we arrange the system ताकि मेरे पास minimum impedance यानि कि Z की value जो है minimum हो सके. Okay, R को change करने का तो कोई use है नहीं. Just look at this XL minus XC. हम इसमें कुछ changes कर सकते हैं क्योंकि इसको कुछ result को हम create करवा सकते हैं. But problem ये है कि it is square. स्क्वायर है तो ये पॉजिटिव आएगा. इट इज ऑलवेज एडेड टू द आर स्क्वायर. ये हमेशा आर स्क्वायर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐड होकर ही आएगा. बिकॉज़ ये पॉजिटिव है, ऐड होगा. स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव, तो इसमें तो ऐड ही होना है. सो मैं ये सोचने की कोशिश कर रहा हूं कि आर में मैं वो कम से कम छोटी वैल्यू कौन सी है जो ऐड करूं ताकि इस पे इफेक्ट कम से कम पड़े. तो ऑब्वियस ही बात है, या तो मैं आर स्क्वायर में से कुछ माइनस करूं. माइनस कर नहीं सकता, स्क्वायर्ड है और प्लस है, तो मैं क्यों ना आर स्क्वायर में जीरो ऐड कर दूं. Because zero से छोटी कोई चीज ऐसी है नहीं अभी मेरे पास पॉसिबल इस केस में जो ऐड करने से आर में कुछ कम नहीं आ जाए. तो आर को आर ही रहने देने के लिए ताकि कुछ ऐड ना करना पड़े, मे बी दैट दिस क्वांटिटी शुड बी जीरो. तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि XL माइनस XC शुड बी जीरो, कि ये जीरो होना चाहिए, वो दैट XL बिकम्स XC. XL इज इक्वल टू XC. XL इज L omega, xc is 1 upon c omega. It becomes omega square 1 upon lc, and omega resonance frequency is 1 upon root of lc. 1 upon root of lc. Okay? तो इसका मतलब यह हुआ कि resonant frequency के लिए मेरे पास 1 upon root of lc होना चाहिए. Just think of it, थोड़ा logically सोचते हैं. अगर आप frequency को increase करोगे, इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, तो अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है XC तो डिक्रीज करने लगेगा, बिकॉज XC का इनवर्स रिलेशन होता है ओमेगा के साथ. बट L ओमेगा इंडक्टर की तो बढ़ जाएगी. ओके, तो लेट डिक्रीज. अगर ओमेगा को घटाएंगे तो XL डिक्रीज हो जाएगा बट XC इंक्रीज कर जाएगा. सो देयर मस्ट बी अ सम बैलेंस. तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ओमेगा आर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मस्ट बी 1 अपॉन रूट ऑफ LC. इस केस में आपका Z जो है इंपेडेंस वो मिनिमम हो जाएगा. Z मिनिमम, इंपेडेंस मिनिमम, तो करंट विल बी मैक्सिमम. तो ये केस था सीरीज का. दिस कम टू द अनदर पार्ट, पैरेलल. पैरेलल के अंदर, अच्छा मैं थोड़ा सर्किट बना देता हूं आपके लिए पैरेलल का. लाइक दिस, लेट इट बी L एंड दिस इज C. So, इस पैरेलल के सर्किट के अंदर ऑब्वियस बात है, मैं छोटा सा वैसे जनरली आपको बताने के लिए कि व्हाट इट इज, मिनिमम करंट होना चाहिए एंड दैट मिनिमम करंट इज जीरो. मिनिमम करंट इज जीरो, कम से कम करंट जो है वो जीरो. ओके,
So I, if you see it, यहाँ से I जाएगा, I L I C, कुछ करंट L से कुछ करंट C से कैपेसिटर से, तो I L plus I C that must be equal to I. इन दोनों का सम जो है वो I के इक्वल होना चाहिए. As in the case of inductor, हम पहले केस में पढ़ चुके हैं, पुरानी वीडियोस में आपने देखेगा इंडक्टर का केस, only इंडक्टर का केस, जब AC के साथ इंडक्टर लगा होता तब. इंडक्टर के केस में जो करंट है, it is lagging behind by 90 degree, तो sin omega t minus pi by 2. In case of capacitor, current is leading, current leads the EMF by 90 degree, तो omega t plus pi by 2, ठीक है? So इन दोनों करंट का सम अप मुझे करना है. Cos, sin 90 minus theta is cos theta, sin 90 plus theta minus के cos theta को, तो minus of cos omega t, cos omega t, E naught को common निकाल लिया, 1 upon XL minus 1 upon XC. But obvious है, अगर मैं current को 0 करना चाहता हूँ, for that thing, my this bracket must be 0. इस bracket को अगर 0 करना है, तो obvious है, 1 upon XL minus 1 upon XC is 0. From here, XL is equal to XC, which in return give you the result that resonant frequency is 1 upon root of LC. There are the two different parts. एक है series का resonance और एक है हमारा parallel का resonance. Circuit आपने देख लिया, solutions आपने देख लिए, किस तरीके से इसको create करवाना है. Parallel में current should be minimum और इसमें current should be maximum. ये दोनों की दोनों चीजें जो हैं, this thing is used in acceptor circuits. ओके हम इसमें क्या करते हैं, हमारा एंटीना जो है वो अलग-अलग तरह की फ्रीक्वेंसीज को बहुत से हर तरह की फ्रीक्वेंसी होती है वहां, ठीक है, उसको गेन करता है, अब्सॉर्ब करता है, उसको लेके आता है, रिसीव करता है, एक्चुअली रिसीव करने के बाद हम उसके अंदर कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को चेंज करते हैं, सो दैट किसी एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी को ही हम अलाउ कर सके ताकि उसके साथ मैच करे, सो दैट एम्पलीट्यूड करंट एम्पलीट्यूड जो है दैट शुड बी द मैक्सिमम फॉर दैट ओमेगा. ओके ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये रिस्ट्रिक्ट करता है, ये वो फ्रीक्वेंसी है जिस फ्रीक्वेंसी पर हम क्या करेंगे, रिस्ट्रिक्ट करेंगे, ट्रांसमिट करते हुए हम ये रिस्ट्रिक्ट करेंगे, दैट काइंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी शुड नॉट बी ट्रांसमिटेड, कि वो ट्रांसमिट नहीं होनी चाहिए. वैसे इट इज नॉट द केस आपके क्लास प्लस टू के लिए, इट्स नॉट अ थिंग कि आपको वो पढ़नी है, बट स्टिल मैं सिर्फ आपको यूजेस बता रहा हूँ कि इसको कैसे यूज करते हैं, इस कंसेप्ट को, और इस कंसेप्ट को कैसे यूज करते हैं. इसको हम एक्सेप्टर के लिए यूज करते हैं और इसको रिजेक्टर के तौर पर, इसे रिजेक्ट करना होता है, जगह इस्तेमाल किया जाता है. ओके आई होप आपको चीज समझ में आएगी, सीरीज और पैरेलल एक बार को ध्यान से देखिएगा. आई होप कि आप इसको अच्छे समझ पाए होंगे. इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्रॉब्लम तो आप नीचे कमेंट्स में कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली लेट यू नो कि उसका क्या आंसर हो सकता है. थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, थैंक यू.